हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, आपको जो डालना है यूपीपीएससी। जैसे आप यूपीपीएससी डालेंगे तो आपको जो है यूपीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इस टाइप का जो इंटरफेस दिखेगा जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज है। तो आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में और आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप एग्जामिनेशन नेम है सीधी भर्ती है संभाग के निरीक्षक परीक्षा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट डेट है 24 नवंबर है और जो फी डिपोजिशन लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020 है और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 24 दिसंबर है। इसके साथ आप यहाँ पे देखिए यूजर इंस्ट्रक्शन और व्यू एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, आप यहां देख सकते कि जो उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में देखिए मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सबके लिए जो वैकेंसीज को निकाला गया है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, इंग्लिश, गणित, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पे स्केल भी इन्होंने मेंशन किया है और यहाँ पे नेचर जो है वो अस्थाई राजपाती। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो ये परमानेंटी जॉब है, इसे अगर आपको यहाँ पे अस्थाई लिखा हुआ लेकिन ये जो है ये जॉब जो है वो सब परमानेंटी है। राजपाती यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मोस्टली ये सारी जो जॉब्स हैं वो परमानेंट ही हैं। अब बात करते हैं हम लोग पे स्केल की। तो देखिए यहाँ पे स्केल जो दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर को वो मिलेगा 15,600 to 39,100 के बीच। यहाँ पे देखिए एज भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे लोअर एज आपकी 21 होनी चाहिए, अपर एज जो है वो 40 होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और अच्छी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसकी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जंतु विज्ञान के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो पोस्ट है वो 5 है यहाँ मेंशन कर रखा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली वाली बात ये भी कि आपको जो क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे आपको इजिली दिख जाएगा। आपको करना कि आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन की रखी है। देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, फॉर एग्जांपल जीव विज्ञान में मिनिमम जो सेकंड क्लास स्कोर होना चाहिए आपका रिलेवेंट ग्रेजुएशन में। तो देखिए यहाँ पे एनिमल साइंसेस के लिए जो पोस्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर S3/07 दे रखा है। यहाँ पे देखिए मैंडेटरी क्या क्या है, आपको मैंडेटरी देखना है। तो मैंडेटरी यहाँ पे आपका क्या होना, मिनिमम सेकंड क्लास स्कोर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो मास्टर हो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आपका एलाइड सब्जेक्ट में हो चाहे रिलेवेंट या रिलेटेड सब्जेक्ट में, आप यानी कि अगर कोई एलाइड सब्जेक्ट से आपने अपना एमएससी किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए इन्होंने दिया कि रिलेवेंट ग्रेजुएशन, मतलब कि आपका अगर आपने बीएससी किया तो बीएससी में आपका जो एनिमल साइंस होना मस्ट है। ठीक, या हम बोल सकते हैं जूलॉजी होना मस्ट है। अगर आपका एमएससी सॉरी बीएससी जूलॉजी से है और एमएससी अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी से किया तब भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपका जो बीएससी उसमें आपने जो जूलॉजी लिया है 3 साल तब, और आपने जो एमएससी वो किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, किसी भी एलाइड सब्जेक्ट चाहे बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री किसी से भी किया हो, लेकिन आपका बीएससी में जूलॉजी जो है वो 3 साल होना चाहिए। तो ये चीज जो मैंडेटरी इन्होंने कर रखी है। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कि आपका जो नेट है वो होना चाहिए। यहाँ पे बिना नेट के जो है आपको इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने पीएचडी डिग्री अवार्ड हुई है आपको 2009 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है तब भी जो है आप यहाँ पे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको जो है नेट की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 2009 से पहले हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज। देखिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 105 रुपीज पे करना होगा। एससी एसटी से 65 रुपये, ओबीसी की 105, एक्स आर्मी 65 और फिजिकली बैरियर है या फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पे 25 रुपीज जो है वो यहाँ पे करना होगा। ये होगी आपकी एप्लीकेशन फी। तो ऐसे करके आप जो है जिस सब्जेक्ट में चाहें, जैसे अगर रसायन विज्ञान में देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ आपकी जो है पूरी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्या है वो होना चाहिए और जो अल्टरनेटिव क्या है वो सब भी जो आप हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते टाइम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं और आप एप्लीकेशन फी जो है वो नॉर्मल सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रखी गई है। ठीक है,
ऐसे करके देख सकते हैं आप, जो इतने जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबके लिए जो वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अब अगर आप जो एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट पे, आप जो इंग्लिश में या हिंदी जिसमें भी आपको देखना चाहते हैं आप जो है देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर जो एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए जो पे बैंड ये सब यहाँ मेंशन कर रखा है और जो सब्जेक्ट दे रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी चाहे जनरल, EWS, UP, OBC ऑफ UP, SC ऑफ UP और ST ऑफ UP, तो सबके लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल बात की बॉटनी की, यहाँ पे 13 टोटल वैकेंसी, 10 जनरल की है, 1 EWS की, 1 SC की और 1 ST की है। तो यहाँ पे देखिए जो मेंशन कर रखा है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं कि किस कास्ट में या किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आप जो है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंस्ट्रक्शन की, तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप देखिए हिंदी इंग्लिश में सब में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो अगर आप यहाँ प्रोसेस देखना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है तब भी आप फिल कर सकते हैं, और अगर डिटेल एप्लीकेशन का प्रोसेस आप देखना चाहते हैं कि वो कैसे आप करेंगे तब भी जो है यहाँ पे आप जो है व्यू पे जाके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, तो देखिए इस टाइप का आपको प्रोसेस यहाँ पूरा दिखेगा, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं इसे एज अ बैकअप लेके, ठीक है। इसे एज अ लाइक ड्राफ्ट लेके आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट प्रोसेस दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो विंडो ओपन होगा इसमें आपका जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है सैम्पल प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है कि आप जो है कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको कोई डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड तो मैं स्योरली आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।